इस ग्रह के रूठने से कौन सी बीमारी होती है? हर बीमारी का संबंध किसी न किसी ग्रह से है जो आपकी कुंडली में या तो कमजोर है या फिर दूसरे ग्रहों से बुरी तरह प्रभावित है। यदि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है तो आज धनवान कोई नहीं है। हर व्यक्ति के शरीर की संरचना या तासीर अलग होती है। किसे कब क्या कष्ट होगा यह तो डॉक्टर, हकीम या वैद्य भी नहीं बता सकता, परंतु एक सटीक ज्योतिष इसकी पूर्व सूचना दे देता है कि आप किस रोग से पीड़ित होंगे या क्या व्याधि आपको शीघ्र प्रभावित करेगी। सूर्य ग्रह से रोग सूर्य ग्रहों का राजा है, इसलिए यदि सूर्य आपकी कुंडली में बलवान है तो आपकी आत्मा बलवान होगी। आप शरीर की छोटी मोटी व्याधियों पर ध्यान नहीं देंगे, परंतु यदि सूर्य अच्छा नहीं है तो सर्वप्रथम आपके बाल झड़ेंगे, सर में दर्द आए दिन होगा और आपको दर्द निवारक दवा का सहारा लेना ही पड़ेगा। चंद्र ग्रह से मानसिक रोग, चंद्र संवेदनशील लोगों का अधिष्ठाता ग्रह होता है। यदि चंद्र कमजोर है तो मन कमजोर होगा और आप भावुक अधिक होंगे, कठोरता से आप तुरंत प्रभावित हो जाएंगे और सहन शक्ति भी कम होगी। इसके बाद सर्दी जुकाम और खांसी कफ जैसी व्याधियों से जल्दी प्रभावित हो जाएंगे। उपाय यह है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में ना आएं, क्योंकि आपको भी संक्रमित होने में देर नहीं लगेगी। चंद्र अधिक कमजोर होने से सर्दी से पीड़ित होंगे। चंद्र के कारण स्नायु तंत्र भी प्रभावित होता है। मंगल ग्रह और सुस्त व्यक्ति मंगल रक्त का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु जिनका मंगल कमजोर होता है रक्त की बीमारियों के अतिरिक्त जोश की कमी होगी। ऐसे व्यक्ति हर काम को धीरे धीरे करेंगे, वह जातक सुस्त दिखाई देगा और किसी भी काम को सही ऊर्जा से नहीं कर पाता। खराब मंगल से चोट चपेट और दुर्घटना आदि का भय बना रहता है। बुध ग्रह से दमा और अन्य रोग बुध व्यक्ति को चालाक और धूर्त बनाता है। आज यदि आप चालाक नहीं हैं, तो दूसरे लोग आपका हर दिन लाभ उठाएंगे। जो भोले भाले लोग होते हैं उनका बुध अवश्य ही कमजोर होता है और खराब बुध से व्यक्ति को चर्म रोग अधिक होते हैं। सांस की बीमारियां बुध के दूषित होने से होती है। बहुत खराब बुध से व्यक्ति के फेफड़े खराब होने का भय रहता है। व्यक्ति हकलाता है तो भी बुध के कारण और गूंगा बहरापन भी बुध के कारण ही होता है। बृहस्पति ग्रह और मोटापा गुरु यानी बृहस्पति व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है, परंतु पढ़े लिखे लोग यदि मूर्खों जैसा व्यवहार करे तो समझ लीजिए कि व्यक्ति का गुरु कुंडली में खराब है। गुरु सोचने समझने की शक्ति को प्रभावित करता है, जातक जड़मती हो जाता है। इसके साथ ही गुरु कमजोर होने से पीलिया या पेट के अन्य रोग होते हैं। गुरु यदि दुष्ट ग्रहों से प्रभावित होकर लग्न को प्रभावित करता है तो मोटापा देता है। अधिकतम लोग जो शरीर से काफी मोटे होते हैं उनकी कुंडली में गुरु की स्थिति कुछ ऐसी ही होती है। शुक्र ग्रह और शुगर या मधुमेह, शुक्र ग्रह मनोरंजन का कारक है। शुक्र स्त्री, यौन सुख, वीर्य और हर प्रकार के सुख और सुंदरता का कारक ग्रह है। यदि शुक्र की स्थिति अशुभ है तो जातक के जीवन से मनोरंजन को समाप्त कर देता है। नपुंसकता या सेक्स के प्रति अरुचि का कारण अधिकतम शुक्र ही बनता है। मंगल की दृष्टि या प्रभाव निर्बल शुक्र पर हो तो जातक को रक्त मधुमेह, ब्लड शुगर हो जाता है। साथ ही शुक्र के अशुभ होने से व्यक्ति के शरीर को बेडोल बना देता है। बहुत अधिक पतला शरीर या ठिगना कद शुक्र की अशुभ स्थिति के कारण होते हैं। शनि ग्रह और लंबे रोग शनि दोहक और पीड़ा का प्रतिनिधित्व करता है। जितने प्रकार की शारीरिक व्याधियां हैं उनके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को जो दोहक और कष्ट प्राप्त होता है उसका कारण शनि ग्रह होता है। शनि का प्रभाव दूसरे ग्रहों पर हो तो शनि उसी ग्रह से संबंधित रोग देता है।
शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो जातक कुछ भी कर ले, सर दर्द कभी पीछा नहीं छोड़ता। चंद्र पर हो तो जातक को जुखाम होता है। मंगल पर हो तो रक्त की कमी या ब्लड प्रेशर। बुध पर हो तो नपुंसकता। गुरु पर हो तो मोटापा। शुक्र पर हो तो वीर्य के रोग या प्रजनन क्षमता को कमजोर करता है। और राहु पर शनि के प्रभाव से जातक को उच्च और कमजोर रक्तचाप दोनों से पीड़ित रखता है। केतु पर शनि के प्रभाव से जातक को गंभीर रोग होते हैं, परंतु कभी रोग का पता नहीं चलता और आयु निकल जाती है, पर बीमारियों से जातक जूझता रहता है। दवा का प्रभाव नहीं होता और अधिक विकट स्थिति में लाइलाज रोग शनि ही देता है। राहु ग्रह और ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। राहु एक रहस्यमय ग्रह है, इसलिए राहु से जातक को जो रोग होंगे वह भी रहस्यमय ही होते हैं। एक के बाद दूसरी पीड़ा राहु से ही होती है। राहु अशुभ हो तो जातक का इलाज चलता रहता है और डॉक्टर के पास आना जाना लगा रहता है। किसी दवाई से रिएक्शन या एलर्जी राहु से ही मिलती है। वहम यदि एक रोग है जो राहु देता है। डर के कारण हृदयाघात राहु से ही होता है। अचानक हृदय गति रुक जाना या स्ट्रोक राहु से ही होता है। केतु ग्रह और भूत प्रेत बाधा। केतु से होने वाली बीमारी का पता चलना बहुत कठिन हो जाता है। केतु खराब हो तो फोड़े फुंसियां देता है और यदि थोड़ा और खराब हो तो घाव जो देर तक न भरे वह केतु के कारण से ही होता है। केतु मनोविज्ञान से संबंध रखता है। ऊपरी आपदा या भूत प्रेत बाधा केतु के कारण ही होती है।